पे था मैं, आ रहा हूँ हाँ थोड़ी देर, हाँ फिर मिलते हैं। हेलो हाँ भाई, ये कैसा है बेटा? हाँ बस पूछने वाला हूँ, हाँ यही पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, बिना हेलमेट उतारे बात हो रही है, कमाल है यार। एक हेलमेट से आप क्या चाहते हो? स्ट्रोंग हो, पहनने में कंफर्टेबल हो, पर कैसा हो अगर यही हमारा हेलमेट एक स्मार्ट हेलमेट में कन्वर्ट हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस हेलमेट को हम बना देंगे एक स्मार्ट हेलमेट जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, कॉलिंग सबसे बड़ा, नेविगेशन वगैरह एक्सेट्रा भर भर, और वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक प्यारा सा हेलमेट ले लेना है जो भी आप यूज़ करते हो। तो इसके अंदर अब हम अपने जो है हेडफोन्स को फिट करने वाले हैं जो हमने बनाए हैं। तो उसके लिए गाइस देखो, आपको यहाँ पे एक जगह दिख रही होगी, इस टाइप की आपको सभी हेलमेट्स में मिल जाएगी, मोस्टली में मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है तो आपको कुशन्स के अंदर फिट करने पड़ेंगे। तो गाइज अभी देखो, यहाँ पे हम हेडफोन के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हो अमेज़ोन से 60 रुपये के अंदर 2 स्पीकर्स मिले गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ उन्हें परचेज़ कर लो इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं। तो अभी दोस्तों अपने यहाँ पे स्पीकर हैं, इनकी हम कनेक्शन करेंगे, एक नेगेटिव वायर और एक पॉजिटिव वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। ये लगने के बाद दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं जब इसको फिटिंग करता हूँ ना, तो ये काफ़ी अंदर जा रहा है, तो इसकी फिटिंग को हमें हाई क्वालिटी बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा आगे लेके आने के लिए, अच्छी साउंड किलिंग को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक हार्ड फोम का। आप कुछ भी थोड़ा दिमाग लगाए यार, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप यूज़ कर पाओगे, तो ऐसा मत सोचें हमारे पास फोम नहीं है तो हम इसे नहीं बना पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 2 फोम का यूज़ करूँगा जिससे कि मेरी हेलमेट में जो हाइट है स्पीकर्स की वो बराबर हो जाए, तो फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, क्योंकि दूर रहेंगे तो कुछ भी साउंड नहीं आएगी, ना ही आपको कुछ कम्फर्टेबल फील होगा। तो इस तरीके से दोस्तों 2 हमने लगा दिए। अब इसके बाद दोस्तों आपके कूल इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी और फिनिशिंग पे बहुत ध्यान रखते हैं, इसके लिए देखो एक आगे सॉफ्ट फोम हमने इस तरीके से लगा दिया, रबड़ बैंड लगा के, जिससे जो है अपने दिखने में और आपके कानों को सेफ्टी फील हो, मतलब लाइक चुभे ना ये, इसके लिए भी हमने ये कर दिया। बाकी एक्स्ट्रा पीस को हम यहाँ से कट कर देंगे। दोनों हमने इस तरीके से बना लिए दोस्तों, इनको फटाफट से हेलमेट में फिट करते हैं। तो गाइस हेलमेट में बहुत ही परफेक्टली ये बैठ जाएंगे, इसके लिए अभी हम डबल साइडेड टेप आप लगा सकते हो बैटर के लिए, मेरे तो यहाँ पे ऐसे फिक्स हो गए, अगर बार बार निकल रहे हैं तो आप डबल साइडेड टेप से फिट कर देना, और कुछ फेविक्विक वगैरह यूज़ मत करना, वो रिस्की हो सकती है। नीचे से हम इस तरीके से इसकी जो है ये वायर निकाल देंगे और दोनों के दोनों हमने इस तरीके से लगा दिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से अपने दोनों स्पीकर्स जो हैं यहाँ पे लग चुके हैं। तो चलिए फटाफट से अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलते हैं वीडियो के, जहाँ पे हम केबल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम केबल बनाने के लिए 2 अक्स केबल लेंगे, 4 पिन वाली मेल अक्स केबल्स, आप किसी भी लोकल स्टोर से, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से जाके इसे खरीद सकते हैं। तो गाइस देखो, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है, डायग्राम की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको पूरा वायरिंग डायग्राम दिया जाएगा वहाँ से, इसीलिए आपको समझ आ जाएगा कैसे बनानी है। सो गाइस यहाँ पे हमने एक ईयरफोन की वायर ले लिया, जिसमें से ये जो होगी हमारी लेफ्ट वाली, ये होगी हमारी माइक की ग्राउंड, और ये वाली होगी हमारी माइक की पॉजिटिव, और ये वाली होगी हमारी राइट वाली जो स्पीकर में जाएगी। तो इस तरीके से हमें 4 पिन के कनेक्शन करेंगे अक्स वायर में। तो सबसे पहले हम माइक का जो है पॉजिटिव वाली लगा देते हैं, जो कि सबसे एंड वाली होती है, सबसे नीचे वाली अपने ईयरफोन में, ये लगा दी। अब इसके बाद दोस्तों ये है जो माइक की नेगेटिव वायर, इसको हम लगाएंगे इस वाले टर्मिनल में जो कि हमारा इससे ऊपर है, ये ग्राउंड है दोस्तों, सबका कॉमन ग्राउंड यही माना जाता है। इसके बाद गाइज ये जो नीले वाली है लेफ्ट लग जाएगी हमारी यहाँ पे, जो कि हमारी ऊपर होगी। लेफ्ट राइट में कुछ भी हिसाब से लगा देना, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली आपको बात रहेगी नहीं। इसके बाद ये जो लास्ट है ऊपर वाली, इसको भी हम सोल्डर कर लेते हैं। ये देखो गाइज कुछ इस तरीके से अपने कनेक्शन हो गए हैं, इसको बंद करते हैं फटाफट से, ये हमने इसको बंद कर दिया। ये काला काला डालना पहले ध्यान रख लेना, वरना भूल जाओगे आप, ऐसे ही हो पता मेरे को तुम्हारा कैसे तुम, ठीक है। और गाइस एक बात का ध्यान रखना, अक्स हमने यहाँ पे 4 पिन वाली यूज़ की है, 3 पिन वाली यूज़ नहीं की है। इसके बाद हम एक वीरो बोर्ड लेंगे गाइस, PCB टाइप होता है, ये नहीं है तो आप कोई कार्डबोर्ड ले सकते हो, हालांकि मिल जाएगा जब आपको अक्स मिल जाएगी तो ये भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमने इस तरीके का एक जैक लिया है, हेडफोन फीमेल जैक, क्योंकि हम यहाँ पे वायर यूज़ करेंगे तो हमेशा हेलमेट में लटकी रहेगी, इसलिए हम जैक्स का यूज़ करेंगे अपना इजी एक्सेस के लिए। तो ये आपको पुराने ऐसे ब्लूटूथ मॉड्यूल या पुराने आपके घर में सेल फोन होंगे ना बटनों वाले, उसमें मिल जाएगा, इस कीपैड फोन्स के अंदर आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद फटाफट से अपने वीरो बोर्ड के ऊपर जैक को फिट करते हैं इस तरीके से।
तो गाइज आपको एक टैक्टाइल स्विच लेना है, जैसा कि आप ईयरफोन्स में देखते हो ना फ़ोन पिक करने के लिए, वैसा हम स्विच लेंगे, उसको भी हम अपने वीरो बोर्ड के ऊपर जो है फिक्स कर लेंगे। तो गाइज स्विच भी फिक्स हो गया। अब मैं आपको कनेक्शन थोड़े समझा दूँ। यहाँ से देखो ये जो वाला है गाइज, ये है अपना माइक का पॉजिटिव, और जो दूसरा है ये है अपना ग्राउंड। ये दो इस तरीके से हमने लगाया है, बाकी वायरिंग में आपको सब समझ आ जाएगा डायग्राम में। तो ये हम वीरो बोर्ड को साइज़ छोटा तोड़ लेंगे। इसके बाद गाइज अपने को एक माइक चाहिएगा। माइक में आपको देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दो टर्मिनल्स होते हैं, इनकी हम वायरिंग करते हैं फटाफट से। तो गाइज ये लगी नेगेटिव और ये लग गई अपनी पॉजिटिव। और अब हम आपको दिखाएंगे स्विच में कैसे कनेक्शन करना है आपको। इसकी ये जो थी हमारी, ये थी गाइज ग्राउंड और ये थी माइक की पॉजिटिव। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं माइक से। तो गाइज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा प्रोजेक्ट ना आपका अंडर अगर आपको पास पुराने स्पीकर वीकर पड़े हैं तो 100 रुपये के अराउंड आपका ईजिली बन जाएगा। और कोई भी आप देख लो यार, 100 रुपये में तो कहीं भी आपको ये नहीं मिल सकता, और बहुत ही अमेजिंग है गाइज। आपको इसकी पूरी टेस्टिंग करके दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। माइक लग गया था अपना और उसके साथ साथ जो थे स्पीकर्स भी लग गए थे। इसी के साथ गाइज हमने यहाँ पे अपने हेडफोन की स्पीकर्स के भी कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो थी अपनी लगा लो आप लेफ्ट वाली, और ये ग्राउंड जो थी सबकी कॉमन कर दी, और उधर से हमने राइट वाली लगाई और ग्राउंड जो थी वो कॉमन कर दी। सिंपल कनेक्शन है, मैं आपको वैसे डायग्राम समझाऊंगा, समझ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि हमने पीसीबी पे इसको सोल्डर कर दिया है। आप भी बनाओगे तो आप समझ पाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत इजी दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे हमने हेलमेट में इस तरीके से फिट कर दिया स्पीकर के लगा के, और अपना जो माइक था उसको हम ऐसे आगे निकाल के ले गए यहाँ पे। सो गाइस माइक चिपकाने के लिए हम यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ कर रहे हैं। आप डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये चिपक जाना चाहिए अच्छे से। तो गाइस फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो अपना जो फ़ोन था वो कनेक्ट हो गया है इससे। तो अब इसमें म्यूज़िक हम जो है प्ले करके देखेंगे यहाँ से फुल वॉल्यूम पे अपना। मैं आपको माइक लगा के दिखा देता हूँ, दूसरा स्पीकर, दोनों स्पीकर से दोस्तों अपनी आवाज़ आ रही है। और अभी मैं आपको बटन भी टेस्ट करवाता हूँ दोस्तों इसका। ये देखो सिंगल बारी में अगर इसको प्रेस करता हूँ म्यूज़िक बंद हो जाएगा, दोबारा प्रेस करें म्यूज़िक चल जाएगा फिर से। तो गाइज अभी इसको मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे इस बटन को प्रेस करें रखेंगे, इट्स 2:09 PM, यू डोंट हैव एनी न्यू नोटिफिकेशंस राइट नाउ। तो गाइज ये आपको टाइम बताएगा और सारे के सारे नोटिफिकेशंस बताएगा जो भी आ रहे होंगे। अब मैं आपको कॉल भी दिखा देता हूँ गाइज इससे पिक करके। तो कहा दोस्तों देखो मैंने अभी कॉल किया है, ये कॉल आ गया, बटन प्रेस करूँगा कॉल पिक हो जाएगी, और मैं अगेन फिर से बटन को प्रेस करूँगा कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो पूरा दोस्तों प्रॉपर वर्किंग है, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपने जाना है और वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास कॉइन्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे आप हमसे वीडियो कॉल पे पर्सनली प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो गाइज। तो देरी किस बात की, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में और फटाफट से कॉइन्स इकट्ठे कर लो, और बेस्ट बाय लिंक्स वीडियो में प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो फटाफट से जाओ और चेक करो गाइज। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।